शांति एक भ्रम है, क्योंकि भारत लगातार युद्ध की छाया की स्थिति में है। जिस तरह वर्दीधारी सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह एक अलग तरह के उच्च ट्रेंड और इंस्पायर्ड सैनिक मिसलिनियस रूप से कोड नामों के साथ विभिन्न वेशभूषा में दुनिया भर में घूमते हैं, सूत्रों से मिलते हैं, स्लीपर सेल्स और डबल एजेंट्स को एक्टिव करते हैं, हनी ट्रैप लगाते हैं, कैफे और सुरक्षित घरों में जासूसों से मिलते हैं। ये सब देश की रक्षा के लिए करते हैं, जिन्हें हम रॉ के नाम से जानते हैं, जिसे इंटर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको रॉ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। रॉ भारत की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है। जिस तरह यूएसए के पास CIA है, यूके के पास MI6, ठीक उसी तरह भारत में रॉ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक फर्क है, CIA और MI6 जैसी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज की गतिविधियों पर और उनकी लगभग सभी एक्टिविटीज पर पब्लिक और पार्लियामेंट में चर्चा की जा सकती है, मगर भारत में रॉ की सभी एक्टिविटीज को गोपनीय रखा जाता है। रॉ भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। रॉ को शुरू में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB द्वारा संभाला जाता था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में खुफिया विफलता के बाद एक अलग भारी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई और IB को मुख्य रूप से घरेलू खुफिया और आंतरिक सुरक्षा की भूमिका सौंपी गई। 1968 में भारत की पहली विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना की गई। एजेंसी का प्राथमिक कार्य विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद का मुकाबला करना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है। ये भारत के परमाणु कार्यक्रमों की सुरक्षा में भी शामिल है। रॉ का ऑफिस दिल्ली के लोधी रोड में है, जो 10 मंजिला है। इनके ऑफिस में भी किसी भी आम आदमी का घुस पाना बेहद मुश्किल है। ऑफिस में भी कुछ अलग सा माहौल है। किसी भी कैबिन के बाहर किसी का नाम और उसकी डिजिग्नेशन नहीं है। इंटरनल कम्युनिकेशन में इसको रॉ नहीं कहा जाता, जब जरूरत पड़ती है तो इसे RAW कहा जाता है। रॉ के बारे में जानकारी पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बारे में लिखने वाले ऑथर्स बहुत कम हैं, उनमें से ज्यादातर विदेशी हैं और उन विदेशी ऑथर्स में से ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान को रॉ में एक खास इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि आज अगर बांग्लादेश एक अलग कंट्री है तो उसमें भी इंडिया के रॉ का काफी बड़ा हाथ है। सभी लोग जानते हैं कि 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान से युद्ध किया था और उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर किया था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का विरोध कर रहे लोगों को इकट्ठा करने, उन्हें मुक्ति वाहिनी सेना बनाने के पीछे रॉ का ही हाथ था। रॉ ने तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ और उनके चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को इंटरसेप्ट करने में सफलता पाई, जिससे कारगिल में पाकिस्तानी सेना की इन्वॉल्वमेंट का सबूत मिला। इस बातचीत को इंटरसेप्ट करने से पहले पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। इसके अलावा 1974 में रॉ ने उस वक्त का शायद सबसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया था, वो भी बिना किसी को खोए। चाइना देखता रह गया था और इंडिया इंटेलिजेंस ने 3000 स्क्वायर मील्स का एरिया अपनी टेरिटरी में मर्ज कर लिया था। यहां तक कि रॉ एक जासूस को पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद पर नियुक्त करने में सफल रहा, जिसे द ब्लैक टाइगर नाम दिया गया। रविंद्र कौशिक
अपने शुरुआती दिनों में एक मशहूर थिएटर कलाकार थे। उन्हें रॉ अधिकारियों ने उनके एक नाटकीय कार्यक्रम के दौरान देखा और उनसे संपर्क किया और उन्हें एक अंडरकवर एजेंट की नौकरी की पेशकश की। 1975 में उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जहां वे पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए और मेजर के पद तक पहुंच गए। कौशिक ने हजारों भारतीयों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय खुफिया एजेंसियों को अमूल्य जानकारियां दी। उन्हें रॉ द्वारा ब्लैक टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा रॉ ने पहले परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक गुप्त रखा था। 1974 में भारत द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण की गोपनीयता बनाए रखने में रॉ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वास्तव में ये इतना गुप्त मिशन था कि चीन और अमेरिका जैसे देशों की खुफिया एजेंसियों को भी भारत की ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी नहीं थी। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के मिशन के बारे में तो सुना ही होगा। 2016 में जब पाकिस्तान ने भारत के उरी सैन्य शिखर पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कई जवान हताहत हुए, तब भारतीय सेना ने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जवाबी हमले के साथ जवाब दिया। वो रॉ ही था जिसने जवाबी कार्रवाई में सहायता के लिए दुश्मन के लोगों, ठिकानों और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। रामेश्वर नाथ काओ, जो कि रॉ के पहले चीफ थे, उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पाई मास्टर में से एक माना जाता है। उनके बनाए गए नक्शे कदमों में चलकर रॉ ने अनेकों मिशन को अंजाम दिया। उनकी अपनी निजी जिंदगी के बारे में बाहर के लोगों को काफी कम मालूम था। उनके मरने से पहले अखबारों में उनकी सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई देती थी। रॉ का काम आज भी काफी सीक्रेट रखा जाता है। बताया जाता है कि उनके रडार से कुछ भी नहीं बचता। जैसा कि कहा जाता है कि रॉ ऑफिसर्स और एजेंट्स देश की सुरक्षा के लिए एक गुमनाम जिंदगी जीते हैं। एक सोल्जर के शहीद होने पर उसे श्रद्धांजलि दी जाती है। एक्टर, पॉलिटिशियंस और देश के सभी लोग सोशल मीडिया पर देश के सिपाही के लिए अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, मगर इन हीरोज के बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। फिल्म्स में भले ही कुछ भी दिखाया जाता हो, लेकिन असल जिंदगी में एक एजेंट की जिंदगी खतरे से बहुत भरी होती है। ऐसे लोग दुनिया की नजर में हमेशा से ही रियल हीरो कहे जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।